हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। केवीएस पीआरटी मैथ सेशन के अंतर्गत प्रैक्टिस पार्ट अभी चल रहा है और इस प्रैक्टिस सीरीज दूसरे में मैं यहां पर क्षेत्रफल मेंसुरेशन के 2D सेक्शन के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अभी इसके पहले भी केवीएस पीआरटी का एक सेट पेपर मैंने साल पर आया था और उसमें ज्यामिति से मैंने प्रैक्टिस पार्ट को लिया था। अब आप सोच रहे होंगे लास्ट सेक्शन से मैं इसलिए प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न पॉसिबिलिटी आपकी लास्ट सेक्शन जैसे क्षेत्रफल आयतन ज्यामिति सेक्शन से आप में 20 में 5 से 6 7 प्रश्न आपके यहीं से आ जाते हैं। तो मैं अभी जो प्रैक्टिस पार्ट रख रहा हूँ आपके इस सेक्शन के अंतर्गत के प्रश्नों को कुछ ले रहा हूँ। चलिए अभी देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से चलिए प्रश्न थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। एक आयत का विकर्ण उसकी लघुभुजा, लघुभुजा मतलब चौड़ाई, एक आयत का जो विकर्ण है उसके चौड़ाई का 3 गुना है। जैसे बात समझिएगा, ये आयत है और इस आयत का ये जो विकर्ण है डायगोनल, ये आयत का जो विकर्ण है इसकी लघुभुजा, चलिए एक सेकंड थोड़ा चित्र स्पष्ट देखें। जैसे ये कोई आयत है और इस आयत का ये जो डायगोनल है जो जो विकर्ण है ये इसकी लघुभुजा का 3 गुना। लघुभुजा मतलब जैसे चौड़ाई यक्ष है तो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, 3 यक्ष होगा। अभी उसकी भुजाओं का अनुपात बताना है, भुजाओं का अनुपात मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमें बताना है, ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए एक चीज समझते हैं, जैसे आयत का जो विकर्ण होता है, जैसे ये आयत का ये विकर्ण है तो पहले तो देखिए आयत का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होता है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमें चौड़ाई मतलब लंब पता है, कर्ण पता है और आधार मतलब लंबाई निकालना है। तो जैसे बात समझिएगा, इस आयत में ये जो ABC है त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में हमें आयत की लंबाई निकालना है। आयत की लंबाई, लंबाई का मतलब ये BC निकालना है तो जो लंबाई होगा ये बराबर क्या होगा बताइए। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, हमें लंब पता है, हमें कर्ण पता है, आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर कर्णी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 3x, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर तो लंब x है, यक्ष का स्क्वायर तो कितना हुआ 3x का स्क्वायर, मतलब 3x का जब स्क्वायर करेंगे तो 9x² माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 8x². अच्छा देखिए 8x² को थोड़ा सॉफ्टन करें तो 2 × 4, 4 × 8 और गुणा x². अब देखिए इसका 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, x² का वर्गमूल कितना होगा x हो जाएगा, अभी ये करणी में 2 रह जाएगा तो ये हो गया 2√2x। आप इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा सुटेबल होगा। इसको देखिए 2 का जोड़ा बना तो 2 तो करणी से बाहर आ गया लेकिन ये 2 करणी में ही रह जाएगा और x² का वर्गमूल x, मतलब ये लंबाई हो गई। तो बात समझ रहे कि नहीं, आयत का विकर्ण हमें पता है 3x और चौड़ाई मतलब छोटी भुजा x है, ये लंबाई मतलब आधार निकालना है तो आधार कितना आ गया 2√2x, मतलब लंबाई इतना हो गया। इसलिए हमें बताना क्या है, भुजाओं का अनुपात मतलब लंबाई अनुपात चौड़ाई बताना है तो लंबाई अभी अभी आया 2√2x और अनुपात चौड़ाई, चौड़ाई कितना है x, तो x x कैंसिल 2√2:1, 2 करणी में 2 अनुपात 1 आएगा, ऑप्शन सी होगा। तो बात समझ आए कि नहीं, आयत का जो विकर्ण था इसकी चौड़ाई का 3 गुना था तो चौड़ाई x है तो विकर्ण 3x। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल था। अच्छा एक चीज आप समझिएगा, आपके केवीएस पीआरटी में जो 2D 3D या फिर ज्यामिति के जो प्रश्न होते हैं उसके मानक भी है प्रश्न के, तो बहुत एकदम आसान प्रश्न पूछता भी नहीं है। तो इसमें जो एप्लीकेशन लेवल का प्रश्न है केवल ऐसे ही प्रश्नों को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया है। प्रश्न संख्या दूसरा यहां से देखिएगा, प्रश्न संख्या दूसरा है, एक रोम्बस है, पहले तो ध्यान देना, रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज, रोम्बस का सेंस जो होता है वो क्या होता है समचतुर्भुज। तो कोई समचतुर्भुज है और इसकी प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण, तथा इसका एक विकर्ण यहां पर 20 है, इसका एक विकर्ण, थोड़ा प्रश्न
ज्यादा मैंने जूम कर दिया है, लेकिन इसका एक विकर्ण कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक चीज आप समझिएगा, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ डी वन गुणा डी टू। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो विकर्णों का गुणनफल, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे दो। तो एक विकर्ण तो पता है, एक विकर्ण 24 है, लेकिन दूसरा विकर्ण नहीं पता। एक विकर्ण 24 है मतलब D1 का मान पता है, लेकिन D2 का मान नहीं पता। तो भुजा पता है और एक विकर्ण पता है, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज में एक कॉन्सेप्ट होता है, भुजा के वर्ग का चार गुना दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज में सॉल्यूशन ध्यान देना, समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का चार गुना किसके बराबर होता है, दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के। अच्छा ये कॉन्सेप्ट एक चीज समझिएगा, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाओं के वर्ग का योगफल दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, ध्यान देना, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं के वर्ग का योगफल मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, फोर स्क्वायर, बराबर किसके, दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं डेरिवेट नहीं कर रहा हूं, सीधे यहां पर ध्यान देना, हमें भुजा पता है, प्रत्येक भुजा कितना है 20, तो यहां भुजा 20 रखेंगे तो 4 गुणा 20 का स्क्वायर करेंगे बराबर d1 का स्क्वायर, d1 मतलब एक विकर्ण पता है 24, तो 24 का स्क्वायर, हाँ दूसरा विकर्ण नहीं पता, दूसरा विकर्ण ही बताना है, यदि दूसरा विकर्ण आ जाए तो क्षेत्रफल खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल समचतुर्भुज का यही होता है। तो चलिए अब बात समझिएगा, 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 का गुणा 4 में ये हुआ 1600। अच्छा 24 का स्क्वायर 576, अब 576 इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 576 बराबर कितना, d2 का स्क्वायर। बात समझेंगे नहीं, देखिए 20 का स्क्वायर 400, 400 का गुणा 4 में 1600, माइनस 576 बराबर d2 स्क्वायर, घटाइए 10 में से 6 गए 4, यहां बचा कितना 9, 9 में से 7 गए 2, यहां बचा कितना 15 में से 5 गए 1024 बराबर d2 स्क्वायर, तो d2 बराबर कितना हो गया 32 का स्क्वायर, मतलब d2 बराबर 32 आ गया, मतलब दूसरा विकर्ण कितना गया 32 सेंटीमीटर। बात समझ है कि नहीं, देखिए d2 स्क्वायर बराबर 1024 और 1024 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर, तो d2 बराबर 32 आ गया, और एक विकर्ण d1 पहले से पता है, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है एक बटे दो गुणा d1 गुणा d2, तो d1 पहला विकर्ण पता था 24 और दूसरा विकर्ण है 32, इसी को हल कर लीजिएगा, ये 12 बार में कट गया, 12 दुना 24 हासिल लगा 2, 12 तिया 36 और 2 इतना 384 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा ऑप्शन बनेगा सी। तो ये कॉन्सेप्ट जानिए, समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का चार गुना दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, क्षेत्रफल समचतुर्भुज का आप सबको पता है, तो भुजा पता था, एक विकर्ण पता था, दूसरा यहां से निकल गया। प्रश्न संख्या तीसरा यहां से देखिएगा, प्रश्न संख्या तीसरा है, एक तार वृत्त के रूप में है, मतलब एक जैसे ये तार है और ये तार जो है ये वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, मतलब ये जो तार वृत्त के रूप में है इसकी त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए की भुजा जिसमें एक सेकंड थोड़ा सा पूरा प्रश्न, हाँ अब पूरा प्रश्न आ रहा है, एक तार वृत्त के रूप में है, जैसे मैंने बताया कि ये एक तार है, ये किस रूप में है वृत्त के रूप में, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। अच्छा अभी बात समझिएगा, वर्ग की भुजा जिसमें कि यह मोड़ा जाता है लगभग क्या है, मतलब बात समझिएगा, जैसे हमारे पास एक वृत्ताकार तार है, जैसे ये है 28 सेंटीमीटर, इस तार को हमने मोड़कर वर्ग बना दिया, इस तार को हमने क्या किया, मोड़कर क्या बना दिया, वर्ग, जैसे ये तार था इसको हमने मोड़कर ये हमने बना दिया क्या, वर्ग। अच्छा पहले बताइए, जब देखिए वर्ग की भुजा, ये वर्ग की प्रत्येक भुजा a होगी
और वर्ग की प्रत्येक भुजा हमें बताना है जिसमें कि यह मोड़ा जा सकता है। एकदम स्पष्ट समझिएगा, प्रश्न बहुत छोटा है, सेंस भी स्पष्ट है। हमारे पास एक वृत्ताकार इस तरीके से तार है, 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इस तार को हमने मोड़कर वर्ग बना दिया, तो इस वर्ग की भुजा लगभग कितनी है ये पूछा है। अच्छा एक चीज हमें बताएं, जैसे इस तार को मोड़कर वर्ग बना देंगे तो क्या तार की लंबाई बड़ी छोटी हो जाएगी? नहीं, जितनी लंबाई की तार यहां है वही तार लंबाई यहां है, बस मोड़कर आकृति चेंज कर दी गई है। तो मोड़कर किसी अन्य आकृति में बदलने से तार की लंबाई बड़ी छोटी नहीं होगी। पहले तो आप समझिए ये तार कितना लंबा है, कैसे पता चलेगा? इस तार को तोड़ के फैला दिया जाए, जो आएगा वो लंबाई हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में तार की लंबाई इसकी परिधि बताएगा। जैसे तार की लंबाई कौन बताएगा? इसकी परिधि। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास वृत्ताकार धागा है, तोड़ के फैला दे, जितनी लंबाई आएगी वही परिधि होगी, जो कि 2πr के बराबर होता है। तो ये वृत्ताकार तार है, इस तार की लंबाई क्या होगी? इस वृत्त की परिधि। और जितनी लंबाई की तार यहां है वही लंबाई की तार यहां होगी, मतलब ये तार की लंबाई क्या बताएगा? वर्ग का परिमाप। कहने का मतलब दोनों स्थितियों में परिमाप बराबर होगा, परिमाप जो होगा वो नो चेंज होगा। क्यों? ये परिमाप जो होगा ये तार की लंबाई बताएगा और जितनी लंबाई की तार यहां है वही यहां आएगी। कहने का मतलब ये है वृत्तीय तार की जो लंबाई है, वृत्तीय तार की लंबाई, अच्छा वृत्तीय तार की लंबाई कौन बताएगा? वृत्त का परिधि। ये बराबर होगा वर्गाकार तार की लंबाई के, और वर्गाकार तार की लंबाई कौन बताएगा? जो वर्ग का परिमाप होगा। कहने का मतलब दोनों स्थितियों में परिमाप नो चेंज, परिधि और परिमाप एक ही शब्द है, परिधि परिमाप परिमित और परिसीमा ये चारों एक ही शब्द है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2π, पाई का मान 22/7 आर और रेडियस दिया है 28। वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर वर्ग, वर्ग का जो परिमाप होगा इस तार की जो लंबाई होगी, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा और इसकी भुजा हमने a माना है। तो ये हो गया 7 × 4 = 28 और ये 4 से 4 कट गया, a बराबर 22 × कितना गया? 44 सेंटीमीटर। ये हमारा b ऑप्शन होगा। मतलब एक चीज ध्यान देना, जैसे कोई वृत्ताकार तार है, जब इसको तोड़कर मोड़कर हम वर्गाकार बना देंगे तो दोनों स्थितियों में तार की लंबाई बराबर रहेगी, मतलब दोनों स्थितियों में परिमाप बराबर होगा क्योंकि तार की लंबाई परिमाप ही बताएगा। प्रश्न संख्या 4 यहां से देखते हैं, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा अर्धवृत्त, जैसे ये अर्धवृत्त है और इसका परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पहले तो बताइए, पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, लेकिन जब अर्धवृत्त है तो 2πr का जब आधा करेंगे तो पाई आर आएगा। चलिए देखिए, पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो जब अर्धवृत्त है तो इधर तो हो जाएगा πr, चूंकि आधा ही है तो 2πr का आधा πr, और यहां से देखिए परिमाप अभी नहीं हुआ, अभी तो केवल अर्धवृत्त में हमने केवल इतना ही मापा है। अभी ये देखेंगे तो ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, मतलब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? ध्यान देना, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा ये परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस कितना होता है? 2r, क्योंकि पूरा वृत्त होता तो पूरे वृत्त का परिमाप 2πr होता, और जब आधा ही वृत्त है तो ऊपर तो ये हो गया πr जब इधर से कवर करेंगे, लेकिन परिमाप होता चारों ओर को मापना, अभी तो मैंने जब केवल इतना मापा तब तो πr मिला, अभी जब यहां से यहां आएंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो रेडियस हो जाएगा, तो ये πr और प्लस 2r ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अब बात समझिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिया है, दोनों में रेडियस कॉमन है। देखिए अर्धवृत्त का जो परिमाप है ये 36 है, दोनों में r कॉमन है, तो r कॉमन कर लीजिए तो यहां से पाई बचा, पाई का मान मतलब 22/7 और प्लस कितना? 2। अब ये कितना हुआ? 36 बराबर r गुणा 7 का गुणा 2 में गुणा करिए तो 7 × कितना आएगा? 14। 14 प्लस 22 कितना हुआ? 36 और 36/7, ये 36 कैंसिल, 7 इधर गुणा होगा तो r बराबर 7, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ πr²
तो 1/2 पाई का मान होगा 22/7 और रेडियस कितना है 7 आया है, तो 7 × 7 कर दीजिए, तो ये 2 × 11 = 11 × 7 = 77 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या बनेगा सी। तो अर्धवृत्त का परिमाप आप बात समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5वां यहां से हम लेते हैं। प्रश्न संख्या 5वां है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई माप वाली है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ये तो बहुत आसान है, ये तो केवल सूत्र ही है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है स्मॉल ए, तो इसमें पूछा है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सभी जानते हैं, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, यही उत्तर हो गया। ये तो केवल सूत्र ही पूछा है, करड़ी में 3/4 भुजा इसका पहला ही ऑप्शन है। अच्छा, ये कैसे होता है ये तो आप जानते ही है, कैसे होता है ये सभी जानते हैं कैसे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ये सम्मुख भुजा समद्विभाजित होगी। सम्मुख भुजा क्या होगी? समद्विभाजित। देखिए ये कैसे आया है, चलिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए है, ए बी बराबर ए है, बी सी बराबर ए, ए सी बराबर ए, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा? करड़ी में 3/2 ए, कैसे? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो सम्मुख भुजा समद्विभाजित होगी, तो ये ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज में कर्ण पता है, आधार पता है, और जब लंब निकालेंगे तो √3/2 आएगा। मतलब जब लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये लंब बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार ए बाई 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 4। मतलब हल करेंगे तो ये 3a² / 4 आया। कैसे? 4 × a = 4a² - a² = 3a² / 4। तो जब वर्गमूल निकालेंगे 3 का नहीं निकलेगा, करड़ी में रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 और ए स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये ऊंचाई आ गया समबाहु त्रिभुज की। और क्षेत्रफल क्या होता है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार बीसी लीजिए तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एडी हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एडी। तो 1/2 ये आधार बीसी क्या है? स्मॉल ए है, और ऊंचाई जो एडी है ये ऊंचाई है, अभी निकला है करड़ी में 3/2 ए। बस इसी को हल करेंगे तो 1 का गुणा करड़ी में 3 आएगा, और 2 का गुणा 2 में कितना आएगा? 4। a का गुणा a में a² तो ये तो कुल मिला के सूत्र था। ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें तो कुछ कैलकुलेशन था ही नहीं, तो हमें लगा कि ये बता दे कि क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो चलिए ये तो एक बेसिक पार्ट था। प्रश्न संख्या 6 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब बताइए, एक त्रिभुज है, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये उत्तर होगा सी एन डी, कैन नॉट डिफाइन। क्यों? ये डिफाइन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हम सभी जानते हैं किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योगफल सदैव बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो दो छोटी भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना? 7। ये अधिक होना चाहिए तीसरी भुजा से, बड़ी भुजा से, तो ये क्या अधिक है? नहीं। अतः त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जैसे मान लिया एक भुजा हम 8 सेंटीमीटर ले ले, ये 8 सेंटीमीटर लिया, और एक हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, और एक ले लिया 3 सेंटीमीटर, तो बताइए क्या कभी त्रिभुज की रचना की जा सकेगी? नहीं। त्रिभुज की रचना तभी होगी जब दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से अधिक होगा। तो ये इस प्रश्न में त्रुटि है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी ये तीनों गलत है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं। निम्न में से किस आकृति का परिमाप दीर्घतम है, मतलब अधिकतम है? किस आकृति का परिमाप जो है वो अधिकतम है? चलिए इसको थोड़ा बगल में फेंक देते हैं। चलिए अभी ध्यान देना, किसका परिमाप ज्यादा होगा? 10 सेंटीमीटर पार्श्व वाला चौकोर, जैसे 10 सेंटीमीटर पार्श्व मतलब भुजाओं वाला चौकोर यदि है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 40 हो जाएगा, 10 × 4 = 40 होगा। 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर पार्श्व वाला आयत, अब बताइए किसका परिमाप ज्यादा होगा? तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई,
तो लंबाई 12 है और प्लस चौड़ाई कितना है 9, तो 21 दुना कितना गया 42 आ गया। देखिए इतने पास वाला आयत, आयत का परिमाप होता है 2 विदिन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 12 है प्लस चौड़ाई 9 है, तो 12 9 21, 21 दुना 42 आएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2π का मान 22/7 और रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 7 कैंसिल, 22 दुना कितना गया 44 सेंटीमीटर। अच्छा 9 सेंटीमीटर पास वाला समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो यदि 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 9 × 4 = 36। तो बताइए किसका परिमाप ज्यादा है, दीर्घतम है, बताइए इसका 40 सेंटीमीटर 42 44 36, तो वृत्त ये हमारा सी ऑप्शन होगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त इसका परिमाप ज्यादा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इसमें तो यह भी आसान प्रश्न था, 2 वृत्तों के व्यासों का योगफल 35 मीटर और परिधियों का अंतर, चलिए 2 वृत्त हैं और 2 वृत्त के, अच्छा 2 वृत्त हैं तो एक वृत्त बड़ा होगा एक छोटा वृत्त होगा, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं और छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, तो 2 वृत्त हैं इनके व्यासों का योग 35 मीटर है और परिधियों का अंतर 22 है, तो 2 वृत्त, अच्छा व्यास क्या होता है, दोनों वृत्त के व्यास का योग 35 है, तो बड़े वृत्त का व्यास, इसकी जैसे बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तो व्यास 2r हो जाएगा और छोटे का 2 स्मॉल आर बराबर 35 है, इसलिए हम कह सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 17.5, कैसे दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे, तो ये दोनों के व्यास का योग 35 है और दोनों के परिधि में अंतर 22 मीटर का है, तो बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, 2π कैपिटल आर, क्योंकि 2 वृत्त है ना, तो एक वृत्त बड़ा है तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे वृत्त का 2π स्मॉल आर, और दोनों में परिधियों में जो अंतर है वो अंतर 22 के बराबर है, किसके बराबर, अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए, दोनों में 2π कॉमन है, तो जब 2π हम कॉमन करेंगे तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना 22 है, अब ऐसा करिए 2π को दाहिने तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 22 है, जब ये 2 उधर जाएगा तो गुणा 1/2 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा उधर भाग होगा तो 2 का कितना हो जाएगा 1/2 और 22/7 वहां जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, तो ये 22 से 22 कट गया और 2 से ये कटा 3.5 बार में, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना आ गया 3.5, ये दूसरा समीकरण बना। अब दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, देखिए पहले तो ये समझना 2 वृत्त के व्यास का योग 35 है तो 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर, तो दोनों के व्यास का योग 35 है तो त्रिज्याओं का योग 17.5 होगा और परिधियों में अंतर 22 है, तो यहां से ये समीकरण मिल गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 3.5। अच्छा जब दोनों को हल करें तो जोड़ने पर यह तो कट जाएगा, तो ये 2 कैपिटल आर बराबर कितना, ये जोड़ेंगे तो 21 आएगा, तो कैपिटल आर बराबर कितना गया 10.5 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या 10.5 है, तो अच्छा देखिए दोनों के त्रिज्याओं का योगफल 17.5 है, तो जब बड़े वृत्त की त्रिज्या 10.5 है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, ये कहां से आ गया, क्योंकि दोनों की त्रिज्याओं का योगफल 17.5 था तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 10.5 है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 7, हमसे पूछा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो छोटे वृत्त का 22/7 पाई हो गया और आर स्क्वायर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 7, ये कैंसिल, 22/7 = 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर 22 × 7 में। तो देखिए हालांकि सवाल ये थोड़ा अपेक्षाकृत बड़ा था लेकिन पार्क समझिएगा, 2 जानकारी दिया गया है, दोनों से 2 समीकरण बना के हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, 8.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बनाने की किसी कमरे की लागत 510 रुपए आती है। देखिए जैसे 1 वर्ग मीटर पर खर्च 8.5 रुपए है, 1 प्रति मतलब होता है 1, तो 1 वर्ग मीटर पर खर्च 8.5 रुपए आती है, तो उस फर्श को बनाने में कुल लागत 510 है,
तो पहले यदि हम आपसे पूछे कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे बताएंगे फर्श का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग मीटर पर लागत 8.5 रुपए है। जैसे मान लिया मैं कोई फर्श बनवा रहा हूं इस तरीके से, एक वर्ग मीटर पर लागत 8.5 रुपए आ रही है और कुल लागत कितना आया है 510, तो 510 में 8.5 से भाग कर दीजिए, मतलब ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए, तो ये 5100 हो गया बटे 85, तो ये 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, मतलब 300 में 5 से भाग करेंगे तो 5 × 6 = 30 कितना गया 60। तो ये फर्श का जो क्षेत्रफल है ये कितना है 60 वर्ग मीटर है। कितना आया 60 वर्ग मीटर आया। अच्छा यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी है? अच्छा फर्श का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये फर्श है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये बराबर कितना आया है, फर्श का क्षेत्रफल अभी अभी निकला है 60 वर्ग मीटर, तो लंबाई हमें पता है 8, चौड़ाई नहीं पता बराबर कितना, तो चौड़ाई कितना हो गया 60/8, 8 × 56 = 40, 8 × 5 = 40, ये 7.5 मीटर आएगा, आंसर होगा पहला, है ना। तो देखिए कुछ है नहीं, फर्श का क्षेत्रफल जानना हो तो कुल लागत 510 रुपए है और एक वर्ग मीटर पर लागत 8.5 है तो भाग कर दीजिए, तो ये पता चल गया कि 60 वर्ग मीटर। बाकी लंबाई गुणा चौड़ाई फर्श का क्षेत्रफल बराबर 60 है, लंबाई 8 है, चौड़ाई निकालना है, यहां से ज्ञात हो गया। एक अंतिम प्रश्न का सोल्यूशन यहां से देखिएगा, एक सम चतुर्भुज का विकर्ण 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाओं का योग। देखिए अभी अभी आपको मैंने बताया है कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और सम चतुर्भुज में चारों भुजाओं के वर्ग का योगफल दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए भुजा के वर्ग का 4 गुना ये दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो एक विकर्ण 30 है, दोनों विकर्ण दिया है 30 और 40 है, तो D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल है 30 का स्क्वायर और सेकंड डायगोनल है 40 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, जोड़ेंगे तो 2500, ये 4 गुणा हो रहा है उधर भाग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 2500 बटे कितना आया 2500 बटे 4, ये 0 है, भाग करेंगे तो 625 आया। अच्छा ए स्क्वायर बराबर 625, तो इधर स्क्वायर है, जब उधर स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर, मतलब ए बराबर कितना गया, मतलब ये जो सम चतुर्भुज देख रहे हैं इसकी प्रत्येक भुजा 25-25 सेंटीमीटर की है, तो इसकी भुजाओं का योग मतलब परिमाप बताना है, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, मतलब योगफल कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। तो ये सेशन था, तो आपको केवीएस पीआरटी के अंतर्गत, देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, केवीएस पीआरटी में मैथ्स के इसी एप्लीकेशन लेवल के ही प्रश्न बनते ही है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्यामिति मेंसुरेशन क्षेत्रफल और आयतन के सेक्शन के अंतर्गत के प्रश्न इसके पहले के परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके उन प्रश्नों को टारगेट कर रहा हूं जो रिपीटेड प्रश्न जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं, प्रश्न के लेवल होते हैं बहुत बेसिक भी नहीं होता, बहुत कठिन भी नहीं होता, मतलब कुल मिला के एक एवरेज प्रश्न जिनसे अपेक्षित है केंद्रीय विद्यालय में जो प्राइमरी टीचर है जिस प्रकार के प्रश्न अपेक्षित हैं उन प्रश्नों को लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज की क्लास फिलहाल बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।